अकाली दल पिछलियां रैलियां लगातार एक गल कह रहा है कि पंजाबी आम आदमी पार्टी से किवें भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने मिसाल वजो आपके प्रधान भगवंत मान का नाम लेके गल कही है कि भगवंत मान ने स्टेज पर शराब छड़न की सौ माता जी के नाँ से खाती। उन्होंने कहना है कि ममता भरी सौ के उत्ते भी कायम नहीं रह सके। आम आदमी पार्टी जी तिने काले कानून के हक में है और कहते कि किसानों के खिलाफ। मैं यह कहनी चाहूँ कि ऑर्डिनेंस के साथ देने श्रोमणी अकाली दल के मैंबर साहबान मोदी साहब के कहने भी जेलों लिए असं उन्होंने स्टेडियम नहीं दते। मैं उन्होंने पूछता है भी जो स्टेडियम नहीं दते मैं वो जरूर दसन कि डायरेक्टर लिटिगेशन कि अंडर होंगे है। एडवर्स इफेक्ट होना है जे कानून तीनों लागू हो जाते हैं क्योंकि कानून गलत ने साड़ी जड़ी है सारे सिस्टम खराब कर देंगे। जिन्होंने पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का जो सुभाग प्राप्त होया वह इन काले कानूनों की सिफत कर असी जिथे किसान जथेबंदी ने कोई भी धरना दिता वो पिछली कतार के बैठे बिना झंडे डंडे तो शामिल हो गल करते हैं चढ़दी नजर आ रही है। जो मोदी साहब ने ताड़ना की सू नौ स्टेडियम दो कि असि किसानों मजदूरों नू जिहड़े पंजाब तो बहीरा कत के आए ने इन्हां नू जेलों में बंद करना है। सानू भावें उसकी सज़ा भी दिती मोदी साहब ने साडियां उत्थे पावरां घटातियां ने नवें कानून लिए पर डरन वाले नहीं। मेरा भगवंत मान जी ने सौ चक्की सी स्टेज दे उत्ते खड़ के लोकां दे विच कि ओह परसनल सी कि ओह लोकां दे विच करीबी गल सी। सो इह गल्लां जिहड़ियां हैगियां ना इह परसनल पोलिटिकल बंदे दी परसनल क्वेश्चन नहीं रहिंदी हैगी। मैनू नहीं पता कि भगवंत मान जी शराब पींदे कि नहीं पींदे मैनू इस गल्ल दा इलम उन्होंने जेकर पर हुण मैनूं इस गल दा कोई सबूत दे देण जिहड़ी इह गल कहिंदे ने कि जी उन्होंने सौं खाधी मुड़ के फिर पीण लग पए ने। केजरीवाल साहब के खिलाफ किसान तां बोलणगे जेकर उन्होंने किसान किसी भी जिहड़ी हरकत है उहदा विरोध कीता होवे। पंजाब कल्ले चार साल का हिसाब नहीं मंग रहा पंजाब इन्हां तों 90 तों बाद जो सरकारां रहियां ने क्योंकि उस तों बाद पंजाब दे सिरां 'च पौणे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उन्होंने सरकारों भावे बादल साहब की 3 बार सरकार रही है भावे 3 बार अज कैप्टन साहब की सरकार भी आ गई है इन्हां 6 सरकारों को पंजाब अजे हिसाब मंग रहा है। नजरिया डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों सारे दर्शकों सत श्री अकाल। अज आप मिशन 2022 पंजाब विधानसभा की चोणों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब दी राजनीतिक धिरां किवें एक दूजे नाल टकरा रही हैं। जित तक सवाल है किसानी मुद्दों का तिने धिर चाहे आप अकाली दल की गल कर लिए कांग्रेस की गल कर लिए आम आदमी पार्टी की गल कर लिए किसानी मुद्दे से तिने धिर हमायत कर रही हैं पर अपनों अपने नजरी के उत्ते तिने धिर एक दूजे नाल टकरा रही हैं। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल का कहना है कि आम आदमी पार्टी किसानी हितों के खिलाफ है। इंजी जे कांग्रेस के संसद मैंबर अवनीत बिट्टू की गल करिए तो होर दो कदम अगे जाके आखते हैं कि केजरीवाल के किसान नेता राजेवाल आपस में मिले हुए है। इसे तरीके नाल आम आदमी पार्टी इन्हां दोहां ही धिरां दा डट के जवाब भी दे रही है पर सवाल यह भी पैदा होंदा है कि जो राजनीतिक धिरां आपस में टकराउंदियां हैं कि यह गल किसानी हितों के खिलाफ जाएगी। इन्हां सारे मुद्दों से मेरे नाल चर्चा पैनल से साडे इस खिते दे कदावर मेहमान जय किशन रोड़ी जी आम आदमी पार्टी के बुलारे दहानी विधायक ने लंबे समय तो लोगों की सेवा च हाजर ने। इसे तरीके नाल कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने सुरजीत सिंह सोहज जी कदावर मेहमान अमरदीप सिंह धारनी जी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ते जाने पहचाने चेहरे तिने मेहमानों पैनल से आने लिये सारे वालों जी आखद वेलकम करते हैं। रूड़ी जी पहला सवाल मैं थोड़े तो लैन लगे हैं अकाली दल पिछलियां रैलियां च लगातार एक गल कह रहा है कि पंजाबी आम आदमी पार्टी से किवें भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने मिसाल वजो आपके प्रधान भगवंत मान का नाम लेके गल कही है कि भगवंत मान ने स्टेज पर शराब छड़न की सौं माता जी के नाँ से खाधी।
उन्होंने कहना कि ममता भरी सौं दे उत्ते भी कायम नहीं रह सके ते पंजाबियों दे वादियां ते आम आदमी पार्टी किवें रह सकती है। जी रूड़ी जी, इस मुद्दे ते की कहना चाहोगे? सिद्धू साहब, सवाल थोड़ा जिहड़े आ मैं सारे सुन लिए है। सब तो पहला थोड़ा जिहड़ा सवाल का जवाब मैं देना चाहुंदा कि जिहड़ा सानू कहा जा रहा बादल साहब दे वल्लों कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी इन तिन्ने काले कानूनां दे हक विच है और कहिंदे कि किसानां दे खिलाफ, मैं इह गल करनी चाहुंदा कि ऑर्डिनेंस दे विच साथ देण श्रोमणी अकाली दल दे मैंबर साहिबान, ऑर्डिनेंस दी कैबिनेट दी मीटिंग दे विच शामिल होण इन्हां दे अपने मंत्री बीबा बादल जी, और उस तो बाद जदों तोमर जी नूं लिया के चंडीगढ़ दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करन श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, वह कहणगे मेरी जिम्मेवारी है कि एम एस पी दे उत्ते मैं कणक झोना जिहड़ा चुकाऊंगा। उस तो बाद भी वड्डी गल कि वड्डे बादल साहब जिन्हां नूं पंज वार पंजाब दे मुख मंत्री बनन दा जिहड़ा सुभाग प्राप्त होया, वह इन काले कानूनों की सिफत कर, असी जिथे किसान जथेबंदी ने कोई भी धरना दिता वो पिछली कतार के बह के बिना झंडे डंडे तो शामिल हो, उस तो बाद पंजाब की विधानसभा के डटमा इस काले कानूनों का विरोध करके लोग सभा के ये खिलाफ वोट पा के डट के किसानों का साथ दे, राजसभा के असी साढ़े जोड़े संजय सिंह जी ने साडे जो राजसभा के मैंबर ने वह उत्थे माइक तक पट देंगे ने और उन्होंने जोड़ा सस्पेंड किया जाता है। उस तो बाद भी वड्डी गल जिहड़ा सेंट्रल हॉल है राजसभा ते लोकसभा दे विचकार पहली बार होया कि देश दे प्रधानमंत्री दा दो मैंबर पार्लीमेंटा ने विरोध किया, वह भी साडे आम आदमी पार्टी दे, पहली बार होया कि प्रधानमंत्री दे घर दे विच कोई गया तो वह आम आदमी पार्टी दे एमएलए गए आ। असीं सड़क तो लैके अपनी जिहड़ी विधानसभा, विधानसभा तो लोकसभा, लोकसभा तो राजसभा, राजसभा तो प्रधानमंत्री दे घर तक असीं उन्हां दा पिछा किया, उहदा विरोध किया। किस तरह कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी है काले कानूनां दे हक विच है? जदों मोदी साहब ने ताड़ना की कि सानू नौ स्टेडियम दिओ कि असी किसानां नू मजदूरां नू जिहड़े पंजाब तो बहीरा कत्त के आए ने इन्हां नू असीं जेलां विच बंद करना है, सानू भावें उहदी सज़ा भी दित्ती मोदी साहब ने, साडियां उत्थे पावरां घटातियां ने, नवें कानून लिआए पर डरन वाले नहीं, क्योंकि असीं लोकां दे हित विच लोकां दे नाल खड़न लई जिहड़े आ राजनीति विच आए हाँ। असीं कहा सी कि राजनीति करन नहीं राजनीति बदलन आए हाँ, साडे असीं उसे सोच ते पहरा दिंदे होए अज भी किसानां ते मजदूरां दे नाल डट के साथ दिंदे। ओके बिल्कुल रूड़ी जी, तुसीं कह रहे हो कि किसानां ते मजदूरां दे नाल डट के खड़ी आम आदमी पार्टी, क्योंकि अकाली दल वालों सवाल उठाया गया है भगवंत मान दे मुद्दे ते भी मैं जरूर तुहाडा जवाब लेना चाहांगा। देखो मैं ना परसनल कदी कदे गया नहीं, मैं हुण जेकर बादल साहब की कोई गल कर लां जां होर कर लां तां नहीं साहब नूं गुस्सा लग जाणा। मैं समझदा कि इह कहिंदे कि मैनू नहीं पता कि भगवंत मान जी शराब पीते कि नहीं पीते, मैनू इस गल का इलम उन्होंने जेकर, पर हुण मैनू इस गल का कोई सबूत दे देण जिहड़ी इह गल कहिंदे ने कि जी उन्होंने सौ खाधी मुड़ के फिर पीण लग पे ने, पहला पीते सीगे हुण पीते, मैनू इहदे बारे इलम नहीं, ना मेरे सामने कदी उन्होंने पीती है। पर जिहड़ी इह जाणी कि इन्नी घटिया राजनीति, इन्नी होछी राजनीति कि अज पंजाब दे कोविड दे दौरान 2,500 बंदे नूं इकट्ठे करके दसना कि भगवंत मान शराब पीता है, उहदे नाल पंजाब दा कोई भला हो सकदा? अज इन्हां नूं दसना चाहीदा सीगा क्योंकि पंजाब मंगदा हिसाब नाल दी गल कर रहा है, पंजाब कल्ले चार साल का हिसाब नहीं मंग रहा, पंजाब इन्हां तों 90 तों बाद जो सरकारां रहीयां ने, क्योंकि उस तों बाद पंजाब दे सिर अज 3,50,000 करोड़ का कर्जा है उन्हां सरकारां नूं, भावें बादल साहब की 3 वार सरकार रही है, भावें तीजी वार अज कैप्टन साहब की सरकार भी आ गई है, इन्हां 6 सरकारां तों पंजाब अज हिसाब मंग रहा है कि साढ़े जान दे बच्चे दे सिर 1,00,000 रुपए का कर्जा क्यों है, साड़ी अज ट्रांसपोर्ट जिहड़ी है वह घाटे विच क्यों है, बादल साहब दीआं बसां बंद क्यों रही ने, अज होटल क्यों बंद रहे ने, ढाबे क्यों बंद रहे ने, साडे बच्चों के स्कूल बंद पे ने और इन्हां लीडरां दे स्कूल चालू क्यों ने, यह सारा पंजाब हिसाब मंगदा, कल्ले चार साल नाल ही गल बननी, बेअदबी दा हिसाब मंगदा। ओके जी जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब साहब बिल्कुल, मैं वापस आवांगा रूड़ी साहब तुहाडे वल, फिर इस मुद्दे ते कल्ले यह कह लो कि 4 साल कैप्टन दे बीत के कैप्टन साहब ने जो किया सारे सामने है, पर जिहड़ियां बाकी सरकारां रही धोतियां नहीं रही। ओके थैंक यू रूड़ी साहब, मैं वापस आवांगे इस मुद्दे ते तुहाडे वल। तारी साहब, तुसी रूड़ी साहब दे कमेंट सुने ही है, उन्होंने कहा कि कल्ले कैप्टन दे 4 साल दे हिसाब की गल नहीं, 90 तो लैके पंजाबी दा हिसाब मंगदे है ते डट के खड़े है आम आदमी पार्टी वाले किसानां दे नाल ते उन्होंने अकालियां दे उत्ते बिठाए है सवाल। जी तारी जी, मैं उन्हां नूं इक्को गल पुछणी चाहुंदा रूड़ी साहब नूं कि जिहड़ा डायरेक्टर लिटिगेशन हुंदा उह किहदे अंडर हुंदा? इन्हां ने बड़ा जोर ला ला के कहा हैगे अपने
ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਨਲਕੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਗਿਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੌਂਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਹ ਚੱਕੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਦੇ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨੇ ਖਬਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੰਗ ਜਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਥ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੋਟਰ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੋਟਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ
कई लोग नशे करके वोट पा देंगे, लैके कोई पैसे लैके वोट पा देंगे, इदा अपने है मुटाइया ने, लेकिन बावजूद सारिया उनताइया ने अपना जो मेजोरिटी जो है वोटर जो है वो सोच समझ के विचार के वोट पाँगा है। इस तरह साडा जो हूँ देखो हूँ असी जाना 2022 के लोगों तो दोबारा अपना है वोट मंगने वास्ते, तो असा साढ़े सारे जोड़े लोकल लीडर ने गली गली महल महल जो साढ़े वर्कर ने सारे जोड़े है लोगों हिसाब देने दे भी रहे हैं, तो लोग बार बार मंग भी रहे हैं, दे रहे हैं हिसाब अपने कामों का जो किते ने जो वादे पूरे किते ने ज नहीं किते या किन्ने रेंदे ने किन्ने किते ने लोग हिसाब लै रहे हैं, तो उस तो बाद ही वोट पाने सोचते। मैं कोई ज़्यादा कोई कोई नवी गल नहीं मानता है, कोई नवी गल कोई हैगी है, बिल्कुल विरोधी पार्टियां का भी हक बनता है हिसाब पूछण का, विधानसभा के बाहर भी बनता है। तो जी दूजी मैं गल जी करनी चाहना है जो अपने किसान के संघर्ष के मेरे पति चल रही है, देखो किसान संघर्ष कला किसान संघर्ष नहीं है, ये सारे लोगों का संघर्ष है, क्योंकि ये कंज्यूमर ने भी इफेक्ट होना है, असं इतने बैठे हैं, अं सारे ने ये जो है साढ़े से एडवर्स इफेक्ट होना है जे कानून तीनों लागू हो जाते हैं, क्योंकि कानून गलत ने ये साड़ी जी है सारे सिस्टम खराब कर देंगे। सो इस आप सारिया पोलीटल पार्टियां पंजाब दियाँ घट्टो घट हूँ तो एक ने, बेशक पहला अकाली दल का जोड़ा सी वक्रा रहा रुख जो वक्रा रहा जो स्टैंड वर्जन से वक्रा सी गौरमेंट के नाल सी, लेकिन चलो हूँ ये आ गए ने लोगों के नाल खड़े ने, ठीक अच्छी गल हैगी है। आम आदमी पार्टी भी क्लेम करती वो भी खड़ी है नाल, असं भी खड़े सारे खड़े हैं, तो साडा फर्ज भी बनता है सानू इस मुद्दे ते, तो बिल्कुल सियासत जी हैगी है करनी नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन इदा है जी कि मैं लग रहा है कि यह संघर्ष में भी सियासी रंगत कित ना कि चढ़ती नज़र आ रही हैगी है, तो लोग जोड़े है गल भी करते हैं, चैनलों में भी होंदिया ने, सियासी गलियारों से भी होंदिया ने, सत्था च भी होंदिया ने, तो ये संघर्षों की निकल के आएगा, कोई पार्टी नवी निकल के आएगी या की लीडर निकल, इदा गल होंदिया ने, लेकिन अज मैं कहना भी सिचुएशन फ्लूड हैगी, आपू ज़्यादा उसते नहीं जाना चाहिए। सब तो वड्डी गल तो अज आपू सिर्फ रल मिल के संघर्ष में पहली गल हैगी किसानी संघर्ष में आपू कामयाब करने वास्ते उस पर जोर लाना चाहिए, अपन सारिया पार्टियां लड़ दी पीपल डिसाइड किने कि रोल अदा किया, किने घट जोर लाया, किने वध जोर लाया, लड़ दी पीपल डिसाइड, ये अपन लोगों को छड़ना चाहिए जी। जी थैंक यू वेरी मच, थोड़ी गल आ गई। रूड़ी साहब स्वै साहब के कमेंट्स तुसीं सुने हो, कहिंदे कि किसानी मुद्दे ते सानू रल के जिहड़े लड़ाई लड़न दी लोड़ है, पंजाब दे लोग फैसला करनगे किसी ने किन्नी भूमिका निभाई है, पर जे कांग्रेस दे ही संसद मैंबर यह गल कहण कि केजरीवाल अते किसान नेता राजेवाल मिले हुए आस मुद्दे ते दूजियां धिरां नूं तां स्टेज दे नेड़े नहीं लगण दिंदे, पर केजरीवाल दे बारे च कुछ भी नहीं बोलदे किसान आगू, फिर सवाल तो उठ ही रहे हैं ना जी। जी रूड़ी साहब देखो सिद्धू साहब केजरीवाल साहब के खिलाफ किसान तां बोलणगे जेकर उन्होंने किसान किसी भी जिहड़ी हरकत है उसका विरोध किया हो। मैं गल पहला करके हटिया कि जेकर दिल्ली के बुरुआं दे बैठे ने जिन्ना पॉसीबल हो सकिया वह भावें टॉयलेट्स का सगा भावें पानी का सगा भावें लंगर का सगा भावें ईवन इतों तक कि वाईफाई की सुविधा की गल सी, केजरीवाल सरकार ने हर एक चीज़ के उत्ते जिहड़ा आ वो किसानां दा साथ देने की कोशिश की है। जदों कैप्टन साहब अमित शाह जी मुड़ के आ गए मिल के वापस आ गए तो पूरे भारत पहला मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंत्र के उत्ते जो बादल साहब सिफता कर रहे थे जो कैप्टन साहब जाके मोदी साहब की मिलन की थान अमित शाह जी मिल के वापस आ गए तो सब तो पहला धरना अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल की रहनुमाई के हेठ असी किसान जथेबंदियों की हमायत के जंतर मंत्र से धरना लाया। जदों असी हर पास्यों क्योंकि असी कोई अपना झंडा डंडा नहीं लेके गए हुण लगभग तुसीं देखो कि 25-26 नवंबर के जिहड़े उत्थे किसान बैठे ने उस तो बाद एक दिन भी साडे जिन्ने भी पंजाब के MLA ने भावें साडे दिल्ली के MLA ने कैबिनेट मिनिस्टर ने CM साहब आप खुद धरने से जाके आए ने, जेकर उन्होंने किसी भी किसान जथेबंदी नूं लगता होंदा ते आप जाके आए ने, कैप्टन साहब क्यों नहीं गए जाना चाहिए सीगा, बादल साहब क्यों नहीं गए उस धरने च जाना चाहिए सीगा, पर किते ना किते जिहड़े मोदी साहब के नाल हमायत की हुई है जां मोदी साहब के नाल जिहड़े उन्हां दी गल नूं सराहिया होया वो अंदरों अंदरी अपना पाला आप नूं खांदा पिया, इस करके मैं बेनती कर रहा सीगा चलो सानूं कह लैण चंगी गल है कि असीं किसानां नाल रले होए आ, असीं स्पष्ट कहिंदे भाई किसानां नाल रले होए नहीं, असीं तां आप किसान हाँ, असीं तां आप मजदूर हाँ, असीं तां किसान मजदूर दे पुत्त हाँ, असीं उहनां नाल की गल ना, सियासी लग रहे
सर एक सवाल मैं लेना चाहना, जो धारनी जी ने कहा है वो कहते कि मैं आप उस मामले जुड़िया जितों तक सवाल है किसान आगुआ ते वर्करा ते केस बन दा, उस मामले च केजरीवाल सरकार दी जिहड़ी भूमिका नैगेटिव रही है। संसद दे विच जिस कमेटी के भगवंत मान मैंबर से पहला भी डिबेटा च मामला उठता आ रहा है कि भगवंत मान ने उत्थे जिहड़ा है उस कमेटी की रिपोर्ट के उत्ते दस्तखत कीते, उहदी हिमायत की। इस संखेप से थोड़ा जा जवाब इस मुद्दे से भी धारनी साहब ने सवाल उठाया इस मामले। मैनू इस गल का खेद आ, बहुत अफसोस आ, जिहड़ा सवाल धारनी साहब ने उठाया एज आ विरोधी इन्हों उठाना पैना, मैं कोई दिक्कत नहीं उठाना चाहिए, पर हाई कोर्ट के वकील ने, सीनियर वकील ने और अपने अकाली दल पार्टी के सीनियर अपने अकाली दल आगू ने यह सवाल इदा के करते हैं कि जिहड़ा आ वह जेलों के किहदे कोल आ जां फिर दिल्ली पुलिस किहदे कोल आ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करता इहदा वकील ने खुद, जेकर पुलिस ने मुकदमा किसे दर्ज किया उन्हें जेल च जाना और बाहर आना वकीलों की जमानत पर आना, जो वे चार्ज लगे हुए हैं वो अकॉर्डिंग वो जमानत होनी है, वो उत्थों का मुख्यमंत्री या उत्थों के जोड़े एम एल ए मंत्री की भूमिका कर सकते हैं या फिर वो उन्होंने की नैगेटिव किया। मैं बड़ा इस गल का खेद आ कि हाई कोर्ट के सीनियर वकील होने के नाते इस तरह के सवाल करते हैं। चलो कोई गल मेरी मेरी बेनती मेरी बेनती सुन लो, जी गल इन्होंने अपने स्टैंडिंग कमेटी की गल की है भगवंत मान साहब से जेकर इन्होंने एलीगेशन लाया दो दिन कुछ नहीं बोले, कहते जो कुछ होर है वह भी ले आओ, कहते मैं कट्ठे जवाब देना, उन्होंने तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी सारे सामने दसते। नंबर दो, बीबी बादल जी ने भी पूछा कि जदों तुसी ऑर्डिनेंस आ रहे थे जदों कैबिनेट की मीटिंग सी उहदे भी अपने मीटिंग मिनट्स लेके आओ ना, तुसी कहिंदे सी उहदे च विरोध कीता सी, ले आओ दिखाओ कित्थे आ, नहीं बोल सकते क्योंकि जी रुड़ी साहब थोड़ी गल आ गई। आपां नूं एक छोटी जी ब्रेक लेनी पैनी है, लेने एक छोटी जी ब्रेक, ब्रेक तो इन्हां ही मुद्दा ते आ रहे हैं वापस। साडे नाल आपदे नेता रूड़ी जी कांग्रेस वालों, स्वैर साहब ते अकाली दल वालों धारनी जी, इन्हां मुद्दे ते करांगे गल पर निक्की जी ब्रेक दे बाद। नजरिए दी जुड़े दर्शकों का स्वागत। धारनी जी ब्रेक तो पहला जिहड़े मुद्दे तुसीं उठाए सी, रूड़ी साहब ने कहा कि धारनी साहब सुलझे हुए एडवोकेट ने, चाहे स्टैंडिंग कमेटी की गल कर लिए, चाहे केसां की गल कर लिए, दूजे मुद्दे की गल कर लिए, कहिंदे हरसिमरत बादल कैबिनेट च रहे वह भी सारे मुद्दों से जवाब देन, अकाली दल नूं झूठ नहीं बोलना चाहिए इन्हां मुद्दों नूं लैके। जी धारनी जी, देखो मैं रोडी साहब नूं इक्को गल कहनी चाहुंदा कि पार्लीमेंट दे विच बीबा हरसिमरत कौर बादल ने अपना पक्ष बिलकुल क्लीयर करता कि ऑर्डिनेंस कैबिनेट पास होए उस टाइम जिहड़ी बीजेपी दी सरकार वालों कहा गया कि जदों इन्हां नूं बिल बन गए जदों इहदे उत्ते डिस्कशन होगी तां तुहाडे जिहड़े हैगे विचार लए जाणगे और उह विचार जदों कहा गया मिनट्स रिकॉर्डिंग सुणे आ रोडी साहब चुप रहो हूं फिर दूजी गल उस टाइम के उत्ते सरदार सुखबीर सिंह बादल ने विरोध किया, बीबी हरसिमरत कौर बादल ने विरोध किया, इन्होंने की किया इन्हों पुछो तो भी यह जिहड़ा हैगा सी उत्ते बोलण दी बजाय विरोध करन दी बजाय वाकआउट करके चले गए। और दूजी गल देखो मेरे ख्याल है भी शायद इन्हों मेरा सवाल समझ नहीं पिया है, स्वैद साहब बैठे हैं बहुत सियाने है समझदार वकील है, इन्हों स्वैद साहब माड़ा जहा दस्यो कि डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन एंड लिटिगेशन की हुंदा हैगा, उहदी की भूमिका हुंदी आ, उहदे तले कौन कौन होया करदे हैगे। सो मेरा धारनी साहब वो कहंदे कि वकीलां ने लड़ाई लड़नी है, वकील लड़ाई लड़ रहे है, रूड़ी साहब कहंदे कि वकीलां ने लड़ाई लड़नी है, वकील लड़ाई लड़ रहे है, सरकार दे वकील, सरकार दे वकील की हुंदा, वकील कौन हुंदा पहला तो यह है कि वकील हुंदा जिन्हें असिस्ट करना हुंदा कोर्ट नूं, चाहे वह प्रोसीक्यूशन वालों होवे चाहे वह डिफेंस वालों होवे, ये नहीं हैगा। देखो शरेआम आम आदमी पार्टी जदों जे कह रही है भी ये जिहड़े हैगे झूठे परचे दर्जी जिहड़े लोकां दे उत्ते करे गए हैगे आ, तां फिर अज यह जिहड़ी हैगी इस तरह दी गल्लां करियां जा रही हैगियां, फिर उन्हां नूं प्रोपर तरीके दे नाल सामने लियाउण। जी जी धारनी साहब थोड़ी गल आ गई, थैंक यू वेरी मच, तुसीं अपना व्यू पॉइंट कह लिया। स्वै जी इस मुद्दे ते जिहड़ा सवाल जिहड़ा रोड़ी साहब ने उठाया वो जरूर उसका जवाब मैं चाहांगा,
क्योंकि कांग्रेस के संसद मैंबर की यह गल कहनी कि केजरीवाल ते किसान नेता राजेवाल आपस में मिले हुए है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि लगता है कि किसान अंदोलन बारे नवी किस्म की परिभाषा जी अंकित की जा रही है कांग्रेस वालों। रूड़ी साहब मैं आ रहा देखो सरदार रणजीत सिंह बिट्टू साड़ी पार्टी के सीनियर लीडर ने, मैंबर पार्लीमेंट ने, पहला भी रह चुके ने कई बारी, उन्हां दी किसी गलते तो मैं कोई टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहांगा, नहीं कर दे। लेकिन मैं जो समझता है, मैं ये समझता है कि अज क्वेश्चन की हैगा समुचे पंजाब दी लीडरशिप ते हैगा, कल्ला किसानां ते नहीं है, कल्ले कल्ले राजेवाल दी गल नहीं है। इतने देखो रोड़ी साहब बड़े सीनियर लीडर ने, एम एल ए भी ने, ते अपनी पार्टी बहुत अच्छी पोजिशन है, इन्हों की धारनी साहब की अपनी पार्टी की बहुत अच्छी पोजिशन हैगी है। अगर ये संघर्ष हारते हैं तो समुचे पंजाब की हार होनी है, देश के नाम ना साडा होना है, पूरे विश्व के पद्धर से नाम बदनाम साडा होना है, तो खासकर सिख लीडरशिप का, क्योंकि चेहरा कौन है अज चिक पंजाब समुचा पंजाब तो इनू हैड सिख लीडरशिप कर रही हैगी है। तो अज आप कोई नुकसान होंगे इस हालात जो केंद्र सरकार पंजाब नाल खुंदक करते तुर पई हैगी है, जो गल गलते पंजाब नीचा दिखा रही है, जो इकनोमिक तौर पर पंजाब का नुकसान करने दे तुली हुई हैगी है। इस मौके से असं अपनी छोटी छोटिया गल्ला करने दे विच जे मैं देखो बिट्टू साहब की गल का जो है, मैं इसे इस गल करके मैं कुछ अवॉर्ड करना चाहता सीगा कि आप छोटिया कंट्रोल छोटिया गल्लां विच ना पईए कि कसूर है, केड़ी पार्टी लीडर नूं पट रही है नाल, नहीं अज ये गल नहीं हैगी। अज जे आपां संघर्ष हारदे आ असीं किसे नूं मूंह दिखाउण जोगा नहीं रहना जी जी। सो मेरी सही जी बहुत बरे जी सर, बहुत वड्डी गल कह रहे हो तुसीं। मैं एक सवाल लैणा चाहुंदा सही जी तुहाड़े कोलों जी जी, केंद्र दे अड़ियल वतीरे दी गल करदे आ तां इस वेले जे स्थिति बणी है जदों आपां डिबेट कर रहे हैं इस गल से अड़िया हुआ है कि किसानों सीधी अदायगी करांगे, सीधी अदायगी की जो गल आती है तो पंजाब के अंदर किड्डी वड्डी पद्धर से भंबल भूसा कणक की खरीद नूं लैके, किन्नी वड्डी पद्धर से आड़तियां नूं लैके, किसानों नूं लैके हाहाकार मचेगी आपस विच। अड़ील वतीरे विरुद्ध तो इहो जिहे अड़ील वतीरे विरुद्ध पंजाब नूं इकट्ठा होकर नहीं लड़ना चाहिए जी जी, पंजाब नूं इकट्ठा होकर लड़न दी लोड़ है जी सर जी। मैं यही कह रहा हां जिहड़ा केंद्र दा अड़ी वतीरा है जिन्हें वह सीधी अदायगी ते अड़े हुए ने किसानां ते आड़तियां दे ते जिहड़े साडे टैरेंट ने ठेके ते जमीन वाह रहे ने वह जमीन के मालक ने आपस दे विच उहनां दा सिर पड़ाउणा चाहुंदे ने, लड़ाउणा चाहुंदे ने, जे लड़नगे तां की असर की होएगा, साडा संघर्ष जिहड़ा चल रहा है केंद्र दे खिलाफ कानूनां दे संबंध विच उह कमजोर पै जाएगा, आड़ती अड्ड हो जाएंगे, किसान अड्ड हो जाएंगे, जमीन के मालक अड्ड हो जाएंगे, ठेके दे ते वाहुण वाले काश्तकार अड्ड हो जाएगा, पोलिटिकल पार्टियां नूं वक्खरियां वक्खरियां तोड़ना चाहुंदा है कि आम आदमी पार्टी की गल करते हो, कि अकाली दल करते हो, कि कांग्रेस की गल करते हो, साड़ी अज लड़ाई साडा, मैं तो यह कहना कि 2022 दी नूं अजे आपां ना बहुता तूल देईए, आपां पंजाब दी लड़ाई है, पूरे किसानां दी लड़ाई हैगी है, उहनूं जित लईए आपां, कोई फर्क नहीं पैंदा जे 5 साल वास्ते कोई आम आदमी पार्टी बन जाएगी जां अकाली बन जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा है, जे असीं लड़ाई हार गए सदियां पिछे जावांगे असीं। बहुत वड्डी गल, बहुत वड्डी गल सवाई जी। रूड़ी साहब, रूड़ी साहब तुसीं अपनी गल कहनी चाहुंदे सीगे, उह वी जरूर कहो, पर जो सवाई जी ने सवाल लैंदा उन्होंने यह भी कहा कि जिहड़ा केंद्र दा अड़ील वतीरा है, रल के लड़ाई नहीं लड़ांगे तां पंजाब बर्बाद हो जाएगा। मैं पहला तां धारनी साहब दा जवाब दिंदा, धारनी साहब कहिंदे कि इन्हां नूं नहीं पता कि वकील कौन हुंदे, इन्हां नूं नहीं पता डायरैक्टर कौन हुंदे, भाई सानूं नहीं पता, तुहानूं तां पता सी ना ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਭਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, पर ओदे ते इंप्लीमेंट कोई नहीं करती,
जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, अकाली दल भी नाल सी, आम आदमी पार्टी नाल सी, बाकी होर जिहड़ियां पंजाब विच धिरां भी नाल सी, जदों असीं कहा कि चलो चलिए प्रधानमंत्री साहब के कोल मिल चलिए, लो टाइम तुसीं पंजाब के मुख्यमंत्री हो, तुसीं अगवाई करो, असीं तुहाडे पिछे लगण नूं तैयार हाँ, तां क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री साहब के कोल? वो तो अमित शाह जी नूं मिल के आ गए, किसानां नूं वल देखिया तक नहीं उन्होंने, वो क्यों नहीं उदों प्रधानमंत्री साहब नूं मिले? हुण भी असीं बार बार मंग कर रहे हैं कि तुसीं इस तरह दीआं पोलीटिकल गल्लां जिहड़ियां स्टेजां दे उपर टैलीविजनां दे उपर सोहणियां लगदियां, सुनन नूं भी चंगियां लगदियां, पर उदों तक कोई हल नहीं होना जदों केंद्र सरकार दे दित्ते हुए निर्देश असीं अंदर जाते जिहड़े लागू करी जा रहे हैं। अज पंजाब दे विच अज वड्डी प्रॉब्लम कदी आ, 10 अप्रैल परसों नूं आने वाली, असीं कहिंदे कि सीधी अदायगी जिहड़ी होनी नहीं चाहीदी, किसान कोई मंग नहीं कर रहा, पर उहदे विच पंजाब सरकार ने जिहड़ा केंद्र दी सरकार दा पूरा पक्ष पूर दित्ता। पिछले सालां दे विच जदों भी इहनां दा बस चलिया, इहनां ने कहा कि जिन्ने भी किसानां दे अपने खाते ने सारे पोर्टल ते चाढ़ो, जिन्हां आड़तियां ने सरकार दा कहना नहीं मन्निया उन्हां दा केंद्र सरकार ने 131 करोड़ रुपया कमीशन केंद्र ने भेजता, पंजाब सरकार अपने कोल डक्की रखी है कि पहला किसानों के जिहड़े अकाउंट्स ने तुसीं पोर्टल ते चाढ़ो, उस तो बाद तुहानूं अदायगी करांगे। एक पासे तां कही जांदे कि असीं पंजाब दी हार ना हो जाए, सिख इतिहास ने, मैं वैसा बहुत सत्कारयोग ने, मैं इहनां दी गल नहीं करदा, पर मैं इहनां दी सरकार दी गल करदा कि दोहरे चेहरे क्यों ने, दो गल्लां क्यों ने कि जदों तुसीं गल भाषण देना भावें कैप्टन साहब गल कर लैण कि जी मैं ये पंजाब विच लागू नहीं होण तों मेरा अस्तीफा मेरी जेब च है, अस्तीफा कित्थे गया, उह कि जेब सी, जेब तां खाली सी, मैं उहनां तों 10 कदम दूर बैठा सी, मैं बड़ी गौह नाल देखिया कि कैप्टन साहब अस्तीफा लै आए आ, पर इह गल्लां उदां दीआं ही आ जदों कहिंदे सी सरकार बस चलण तों पहलां भावें बेरोजगार अध्यापकां दे धरने जांदे सी कि असीं भाई जिहड़े आ तुहानूं नौकरियां दवांगे, बेरोजगार जिहड़े होर अपने बैठे ने ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਫ਼, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਨੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਰਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਬੂਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਸੀਐਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੁਹੇਜ ਜੀ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ DBT ਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ, ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ
कि ये पंजाब दे विच डीबीटी होवे ना होवे, क्योंकि खुद किसानों ने मान्यवर हाई कोर्ट दे विच पटीशन पाई सी एक कि जेडी दा फैसला 2013 दे विच होया सी, उन्होंने कहा सी सानू डायरेक्ट जी कि सानू डायरेक्ट पेमेंट होनी चाहिए है, आरटीए थ्रू नहीं होनी चाहिए। उस रिट का फैसला मान्यवर डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट च किया कि जेड़े किसान चाहते ने डायरेक्ट पेमेंट मिलेगी उन्होंने, जेड़े चाहते ने थ्रू आरटीए हो जाएगी। सो इस तरह इस करके असी जिहड़ा पंजाब सरकार ने एक टुक जिहड़ा फैसला अजे जो सारे स्टेक होल्डर की कंसेंसस नहीं बनती, एक मत नहीं बनती, सरकार ने केंद्र तो पैसे भी लेने, एफसीए ने असी 25-30 हज़ार करोड़ रुपया स्टेट कितों कढेगी, असी केंद्र तो पैसे लेने किसानों को घाटा मिलने काम करने पैसे इल्जाम लाने सौखे होंगे। एक मिनट इन्होंने गल की है कि असी तिने कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार ने अमेंडमेंट तिने कानूनों की की है, आम आदमी पार्टी सहमति नाल की है, अकाली दल की सहमति नाल की है, सारे एमएलए इकट्ठे हो की है, सारे एमएलए रल के जिहड़े गवर्नर कोल गए ने, लेकिन मान्योग जिहड़ा दिल्ली संविधान सभा ने अज तक अमेंडमेंट्स नहीं की, सिर्फ मता एक किया है, ये सच्चाई है। मैं इन्होंने गलों को करना नहीं चाहता सीगा ते लेकिन करनिया भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी लड़ाई मैं दोबारा फिर कह रहा दूरा फेस जिहड़ा रखदे आ, एक पासे तां कह रहे कि जिहड़ी डायरेक्ट पेमेंट दा अदायगी दा असीं विरोध कर रहे हैं, दूजे पासे उन्होंने इहनूं लागू करन दे लई इंप्लीमेंटेशन दे लई अपनी मशीनरी जिहड़ी हैगी है उह तों नूं डायरेक्शन देती है, शुरू करती है कार्रवाई, देखो इन्हों शायद ना जी यही फर्क हैगा विरोधी पार्टी च रहन दा ते जिहड़ा सरकार चलाउण दा यही फर्क हुंदा है। अगर सरकार केंद्र सरकार अड़ी रहिंदी अपने वतीरे ते कि असीं तां जी पेमेंट नहीं करांगे जिन्ना चिर साडी गल नहीं मन्नी जांदी, ऑल्टरनेटिव बैटर जिहड़ा लोकां नूं किसानां नूं मारना तां नहीं हैगा, पैसे तां देणे ने ना जी, उहदा ऑल्टरनेट तां कढणा ही ना। सरकार पंजाब दी हर हिले जोर ला रही है ते अपोज कर रही है, विरोध कर रही है okay. जो सिस्टम है वो चेंज है, लेकिन असी किसानां दा बचाउ नहीं कर रहे। गल आ गई, तुहाडी गल आ गई जी, थोड़ी समय तुहाडे वाली आ रहे, वो फर्क हुंदा है। ओके थैंक यू सर जी, थैंक यू सर साहब, गल करा जी इत्थे कहण गल्लां कर रहे ने रोड़ी साहब, लेकिन दिल्ली दे विच इन्हां नूं पता होएगा दिल्ली दे विच एमएसपी तों घट रेट मिलिया, घट रेट मिले पिछली कणक के झोने के एमएसपी तो जी जी केजरीवाल साहब कह रहे ना कि चलो सर जी तुसी अपनी गल बहुत मैं हम साहब तुसी अपनी गल कह ली है जी 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 रोड़ी साहब चेक कर लो रोड़ी साहब ओके जी आप रोड़ी साहब को मौका दीजिए गल कहना जी रोड़ी साहब तारनी जी मैं आ रहा हूं थोड़े पहला क्या जो तारनी साहब ने पहला क्या कि असि 4 साल का हिसाब मांगते हैं मैं कोई पोलिटिकल लीडर नहीं हाँ मैं तो एक आम घर का नॉर्मल जहा नौजवान हाँ आम घर का किसान मजदूर हाँ मैं तो सिर्फ इन्नी बेनती करदा कि अज मैं कला नहीं पूरा पंजाब हिसाब मंग रहा कि 90 तो बाद पंजाब दे सिर 3 लाख करोड़ के करीब जिहड़ा कर्जा चढ़िया क्यों चढ़िया जे 4 साल का हिसाब मंगना कोई माड़ी गल नहीं मैं समझना 90 तो बाद पहला तां पहले ठीक करो रोड़ी साहब मेरी घर दा गल पूरी हो गई मेरा फोन बंद हो जाना जी तुसी नहीं दे इस तरह नहीं तुसी अंकड़े सही करो देखो जिहड़ी कैग दी रिपोर्ट हैगी आ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਉਹ 28-29 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ 28-29 ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਐ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਟਕੀ ਗੱਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ
कोई प्रोजेक्ट लाने लई कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया होवे उस प्रोजेक्ट दे विच निवेश करिया होवे फिर तां मैं मान सकदा जे प्रोजेक्ट कोई नहीं लाया निवेश कोई नहीं करिया हैगा उसके बावजूद कर्जा चढ़ रहा है पर फिर मैं समझदा कि बहुत ही चलो आप जवाब ले लिए तानी साहब बिल्कुल अपने को समा सर सर समय की घाट है समा जाच नहीं दे रहा आप जवाब ले लिए सोहेल साहब की कहोगे तारनी साहब का कहना है कि कर्जे दिया पंडा कांग्रेस के समय के उत्ते चढ़ गया नहीं ये ना दे, देखो अपने चेक कर लेन तथ्य चेक कर लेन असी तो चार साल दे विच एक बार भी ओवरड्राफ्ट नहीं किया डबल ओवरड्राफ्ट एक बार भी नहीं किया है डबल ओवरड्राफ्ट करते छे छे महीने तो एक दो बार साडा ओवरड्राफ्ट हुआ सिर्फ तो उस तो बाद असी जिहड़ी हैगी है बेशक लोग देखो मनप्रीत बादल नूं कहिंदे ने बड़ा कंजूस है सरकार का पैसा नहीं कढ़दा लेकिन एक गल तो हक जाती है ना जी कि अज उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया कैपीटल एक्सपेंड जिन्होंने कहते हैं खर्चा जो है डिवेलपमेंट वास्ते इस बजट च कढ़िया है वह तो पंजाब के जोड़ा सिर हैगा वो ये जो करजा है इनकलूड है जो सा जी एस टी का बैलेंस जो केंद्र सरकार ने करजा खुद लैना सीगा लेकिन स्टेट्स के गल पाया सूबे के गल पाया वो थोड़ा जहा पे है अदरवाइज साड़ी जी इकनोमिक्स जी है फाइनैशियल जी स्टेबिलिटी पंजाब की वो बहुत सुधार करके असी जिस तरह केंद्र का अड़ियल वतीरा है इस मामले से अकाली दल की स्टैंड लैंदा है कि लड़ाई लड़न की लोड़ पैंदी है क्योंकि स्वैज जी का कहना है कि किसानां नूं अदायगी भी तो करनी है ट्रिब्यून दे विच पढ़ लो उन्हें बिलकुल क्लीयर एदे बारे सारा कुछ लिखा होया है उहदे च मैं दो गल्लां करदा हैगा कि पिछले 1.5 साल तो यह बार बार जिहड़ा हैगा है परमिशन लै रहे है कि असी अगले फसल दे विच जिहड़ा हैगा जिहड़ा रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा अपना जमाबंदियां दा और चढ़ा दांगे और ये परमिशन लेके कि इहदी सानू जिहड़ी हैगी परमिशन दे दित्ती जावे इह कुछ कर रहे हैगे जो गलत है अज जदों इहनां दे बिलकुल सिर नूं पैगी उस टाइम भी अज जिहड़ा भारत भूषण आशू दा बयान हैगा उह कहिंदे आ कि असी जिहड़ा आल्टरनेटिव जिहड़ा हैगा पोर्टल जिहड़ा हैगा लागू करने की तैयारी दे विच हैगे हैं साडे कोल दो चीजा हैगी सीधी अदायगी भी और जिहड़ी हैगी आ जिहड़ी बेचण वाला हैगा ओहदी अदायगी भी तारनी साहब जिहड़ी जमानती दे राही कहना है जी तारनी साहब उहनां दा कहना है पर मैं तारनी साहब उहनां दा कहना है कि किसानां नूं अदायगी दा करनी है ना जी इह कहना उहनां दा सही बिलकुल बिलकुल करनी हैगी है कोई इस गल तों मनकर नहीं हैगा किसान नूं अदायगी आरती दे राही भी तां हो सकदी आ आरती इक किसम दा किसान दा जिहड़ा है एटीएम है जदों कोई घर दे विच बच्चा बीमार हो जावे बजुर्ग बीमार हो जावे असीं इक मिंट दे विच उतों पैसे फड़ के लेके आ जांदे अज आरती नूं और किसान नूं लड़ाउण दे चक्कर दे विच इह सारा कुछ कर रहे हैं जी जी गल आ गई सहज जी बिलकुल दो लाइनां दा कमेंट जिहड़ा हैगा तारनी साहब दा कहना है कि अदायगी आरती दे थ्रू भी तां हो सकदी है लास्ट कमेंट तारनी जी उम्मीद करिए कि आरपीए दे थ्रू ही होएगी अदायगी साडी सरकार तो यो कह रही है कि जो सिस्टम चल रहा है आरटीए थ्रू अदायगी असं करते आ रहे हैं साडा पोर्टल भी उस तरह बनया हुआ है सारा सिस्टम उस तरह बनया है कि इन्हों कंटिन्यू कर दो अगर केंद्र सरकार इस गलते अड़ जाती है कि नहीं असी जी है आरती थ्रू पेमेंट नहीं करनी असं थोड़े पैसे रोक लाँगे अगर तुम साड़ी गल नहीं मनते अगर तुम डायरैक्ट पेमेंट नहीं करते फिर वह ऑल्टरनेट लभना है नहीं लभना जी असी पंजाब दे विच लोकां नूं मारना तो नहीं हैगा ना पैसे तो देने ने ना जी इस करके रखना पैंदा जी थैंक यू वेरी मच मेरी करके रोड़ी साहब तारनी जी सहज जी तिने मेहमान आए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट जिदा मैं कहा कि दर्शकों के सामने पोलिटिकल पार्टियां के बुलारियां की राय वक्रो वक्री होनी सुभाविक है पर एक गल इस बहस दे जिहड़ी उभर के सामने आ रही है कि मतभेद जरूर होणगे पर जिथों तक सवाल है जे केंद्र का अड़ील वतीरा तो पंजाब दियां सारियां राजसी धिरां नूं डट के एक थां ते लड़ाई लड़न की लोड़ है
चाहे किसान है चाहे राजनीति है, नहीं तो पंजाब की बर्बादी जी है अटल है। इसका जवाब कला किसान ही नहीं, सब तो पहला जिहड़ियां राजनीति है उन्होंने नेता है उन्होंने तो पुछणगे पंजाबी। इन्हां मुद्दों ते आने के लिए तुहाडे सारयां वल्लों एक बार फिर मैं अपने तिना मेहमानों का धन्यवादी हाँ, तो इस नाल ही तुहाडे कोलों भी लवांगा इजाजत। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।